शौहर घर आया तो बीवी ने कहा कि मुन्ना घर पर नहीं है, जाएं उसे तलाश करके लाएं। तो शौहर ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कमरे में आकर बैठ गया। आते ही उसे कहा कि चाय लाओ। बीवी बहुत हैरान हुई कि वो तो मुन्ने से इतना प्यार करता है, तो आज उसकी गुमशुदगी का सुनकर वो क्यों इतने आराम से बैठ गया और चाय की फरमाइश कर दी। उसने कहा कि चाय लाओ। वो बहुत मुश्किल से चाय बना कर लाई। कुछ देर बाद दरवाजे पर बैल हुई तो बीवी ने शोहर से कहा कि जाएं मुन्ना आ गया है, दरवाज़ा खोलें। तो शोहर ने कहा कि नहीं, मुन्ना नहीं है, क्योंकि अगर मुन्ना होता तो उसने दरवाजे पर ही शोर मचाना शुरू कर देना था कि मामा पापा दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ, पर यहाँ तो कोई शोर नहीं। शोहर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसका दोस्त था। बीवी को देखकर गुस्सा आ गया। बीवी ने कहा कि इसके दोस्त ने अभी आना था, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला। शोहर अपने दोस्त के साथ गप्पे लगाने लगा और बीवी को चाय की फरमाइश कर दी। बीवी ने उस दोस्त के लिए भी चाय बनाई, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आने लगा। उसने चाय बनाने के लिए केतली चूल्हे के ऊपर उठा कर फेंक दी, हर चीज़ का शोर करने लगी। तो वो दोस्त बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि आपके घर में तो बहुत आराम और सुकून होता है, ये आज भाभी को क्या हुआ है? शोहर ने कहा कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम इतने गुस्से से क्यों चाय बना रहे हो, तुम मेरे दोस्त के लिए खाना भी बनाओ। तो बीवी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि मुन्ना, तो मुन्ने को छोड़ो, तुम खाना बनाओ। तो बीवी बहुत ज़्यादा गुस्से में आई। शोहर जाकर अपने दोस्त के पास बैठ गया और वो बातें करने लगा। दोस्त ने कहा, हाँ तो यार बताओ मुन्ने का क्या हाल? तो शोहर ने कहा, छोड़ो मुन्ने की बातें, हम कुछ और बात करते हैं। तो बीवी बहुत हैरान हुई और शोहर भी। उसने कहा कि जो हर टाइम मुन्ना 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 करने वाला इंसान आज कहता है छोड़ दो। खैर, वो अपनी बातों में लग गए और बीवी बहुत गुस्से से बोली, कहती है कि ये कैसा बेहिस इंसान है, ये मरता क्यों नहीं, ये कोई बात क्यों नहीं सुनता मेरी। तो उसने कहा, ये भाभी किसको ऐसे कह रही है? उसने कहा, कुछ नहीं, हम अपनी बातें करते हैं। कुछ देर बाद उसने कहा कि भाई खाना तैयार हो गया है, आओ हम दोस्त मिलकर खाते हैं। तो बीवी गुस्से के साथ बोली, कहती है ये कैसा बेहिस इंसान है, ये मरता क्यों नहीं। दोस्त को हैरानगी हुई। उसने कहा कि यार ये भाभी मुझे कह रही है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है इसलिए, लेकिन मैं तो भाभी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, उन्होंने आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो शोहर ने कहा कि छोड़ो यार, जब से मुन्ना मरा है इसकी यही हालत है।